नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से फूटी हिंसा की चिंगारी 48 घंटे बाद अब लपट बन चुकी है। हिंसा की ऐसी लपट जो राजधानी को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर और जफराबाद इलाके में सीएए का विरोध कर रही भीड़ आक्रामक हो गई। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, पत्थरबाजी की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और अब देश पूछ रहा है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। कौन है वो जो शांति से होते विरोध प्रदर्शनों को खामोशी से हिंसक बना रहे हैं। दिल्ली में भीड़ को कौन उकसा रहा है? कौन लोगों को पत्थर थमा रहा है? कौन दिल्ली में हिंसा भड़का रहा है? कौन है चेहरा ढककर भीड़ से पत्थर फेंकने वाले? किसने बनाया राजधानी को रणक्षेत्र? दिल्ली के सीलमपुर इलाके की इन तस्वीरों को देखकर दिल्ली सहमी हुई। मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में वही हुआ जो दो दिन पहले जामिया यूनिवर्सिटी में हुआ था। भीड़ में छिपे कुछ शैतानों ने आगजनी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया और देखते ही देखते राजधानी की सड़कों को जंग का मैदान बना डाला। बिल्कुल, लेकर सीलमपुर जाफराबाद के रोड पर जो है आम पब्लिक, आम जनता जो है सड़कों पर उतर आई है। साथ ही साथ जो है जिस तरीके से जामिया के अंदर जो माहौल बना हुआ था, तो जामिया के माहौल के साथ जो है ये लोग जो है यहाँ पे धरने प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक है, वो यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रही है। सीलमपुर इलाके में दोपहर 1 बजे से एक विरोध मार्च निकाला जाना था। इसमें 200 लोगों के इकट्ठा होने की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली। इसके बाद अचानक भीड़ हिंसक हो गई, पुलिस पर पथराव शुरू हो गया, गाड़ियां तोड़ी जाने लगी और तो और भीड़ आगजनी भी करने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस बेबस हो गई, उन पर भयानक पथराव होने लगा और हाथों में पत्थर थामे भीड़ पुलिस को खुलेआम ललकारने लगी। इस समय हम सीलमपुर रेड लाइट पर 66 फुटा रोड पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। यहाँ पर आज सुबह 2 बजे लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो अचानक भीड़ के एक ग्रुप ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और पथराव करने पर पुलिस ने जब उनको पीछे की तरफ खदेड़ा तो लगातार जो भी रास्ते में वाहन मिले उनको तोड़ दिया गया, जिसमें स्कूल बसें भी चपेट में आई हैं। मासूम छोटे छोटे बच्चों को पत्थरों की चपेट में आने से बचाया गया, उन्होंने खुद को बस में किसी तरीके से सेव किया। स्कूल बसें टूटी, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं वो टूटे और जो भी प्राइवेट व्हीकल मिले उनको इन दंगाइयों ने पत्थर मारकर उनको चकनाचूर उनके। भीड़ को बेकाबू होने में कुछ ही पल लग और पुलिस चाहकर कुछ नहीं कर सकी। हिंसक भीड़ की चपेट में आकर कई पुलिस वाले और एक दर्जन लोग भी जख्मी हो गए। भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्व सड़कों से गुजरती बसों पर पथराव करने लगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे यात्रियों को उतार कर एक बस को खाली करवा रही है। भीड़ का ये तांडव करीब 2.5 घंटे तक जारी रहा। इसके बाद भारी तादाद सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात किया गया, जहां पुलिस को मौका मिला हिंसक भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और आसपास के 3 मेट्रो स्टेशनों को बंद भी कर दिया गया। इस सबके साथ साथ पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से हिंसक भीड़ की फोटोग्राफी कर और इलाके की नाकाबंदी भी कर दी। लेकिन 2 बजे के आसपास एक ग्रुप आता है जो पुलिस के ऊपर पथराव कर देता है और पथराव की स्थिति में पुलिस लाठीचार्ज करने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे में जब पुलिस का लाठीचार्ज शुरू होता है तो लोग भड़क जाते हैं और जो जो दंगाई थे, जिन्होंने जो 50-60 लोग थे उनकी संख्या कहीं ज़्यादा हो जाती है और वो लगातार पुलिस से भिड़ते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। जो जो वहाँ वाहन गुजर रहे थे उनके ऊपर लगातार पत्थर मारे जाते हैं। इस घटना के बाद अब कई अहम सवाल दिल्ली पुलिस और सरकार के सामने खड़े हैं और उन सवालों के जवाब हासिल कर अब बेहद जरूरी हो चला है। मसलन, कौन भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहा है? भीड़ में छिपकर पत्थर चलाने वाले कौन? क्या ये सब एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है? क्या किसी साजिश के तहत शांति से होते विरोध प्रदर्शनों को हिंसक बनाया जा रहा है? आखिर कौन है वो लोग जो विरोध में निकलते मार्च को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल,
की भीड़ हिंसा करेगी, इसकी इंटेलिजेंस दिल्ली पुलिस को वक्त रहते क्यों नहीं मिल सकती। जब वो डिस्पर्सल होने लगा तब उसमें से कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने डिस्पर्स होते हुए पथराव किया और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की है, और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर उनको पीछे कर दिया वहाँ 66 फुटा रोड के ऊपर ही। करीब एक डेढ़ घंटे तक ये स्टैंड ऑफ रहा। और अब जाहिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश, आखिर कैसे शांति से निकाला जा रहा विरोध मार्च हिंसक हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग ऐसी भीड़ को उकसाते हैं और फिर खुद पथराव शुरू कर देते हैं जिससे भीड़ हिंसक हो जाती है। यही रविवार को जामिया में देखने को मिला था और ठीक वैसा ही सीलमपुर में भी हुआ। जाहिर है ये सब इत्तफाक नहीं हो सकता, इसीलिए अगर हिंसा और आगजनी के इन सिलसिलों को रोकना है तो दिल्ली पुलिस को फौरन इस आग पर अपनी रोटियां सेक रहे लोगों का पता लगाना होगा। टीम न्यूज नेशन। यह सच है कि जामिया के बाद अब दो और इलाकों में हुई इस पत्थरबाजी से दिल्ली सहम सी गई है, क्योंकि इन दोनों घटनाओं में मौजूद समानता ने साफ कर दिया है कि कोई तो है जो विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर एक साजिश के तहत हिंसा भड़का रहा है। अब दिल्ली पुलिस को इसी साजिश का पर्दाफाश करना है। भीड़ के पास पत्थर कहां से आए, विरोध में हजारों लोग कैसे इकट्ठा हुए, क्या ये हिंसा प्लानिंग से हो रही है, कौन है सीलमपुर साजिश का मास्टरमाइंड, दिल्ली को दहलाने वाला खलनायक कौन। सीलमपुर की सड़कों पर बाइक पर फ्लैग मार्च करती इस दिल्ली पुलिस को अब तलाश उन शैतानों की है जिन्होंने दिल्ली में हिंसा की आग भड़काने की साजिश रची है। अब पुलिस को यह पता लगाना है कि आखिर कौन है वो जिसने दिल्ली की सड़कों को पत्थरबाजों से भर दिया। कहां से आए थे पत्थरबाज और कैसे इन पत्थरबाजी के लिए इन्हें तैयार किया गया। अब हम आपको देंगे वो सबूत जिससे साफ हो जाएगा कि सीलमपुर में हुई हिंसा प्रायोजित थी, पहले से किसी ने इसकी तैयारी कर रखी थी, क्या व्हाट्सएप पर रची गई थी साजिश। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली ये है कि आखिर सीलमपुर जैसे इलाके में वर्किंग डे पर विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठा कैसे हो गए। जाहिर है कि इन लोगों को किसी ने साजिश के तहत इकट्ठा किया था। पुलिस को शक है कि इसके लिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया होगा, इसीलिए पुलिस अब संदिग्ध व्हाट्सएप अकाउंट्स खंगालने में जुटी हुई। नकाब में पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, सवाल ये भी अहम है कि आखिर पुलिस और वाहनों पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों में से कुछ ने अपने चेहरे क्यों छिपा रखे थे। कुछ लोगों का चेहरा ढकना इस बात की तस्दीक करता है कि ये हिंसा एक साजिश के तहत की गई है, शायद इसलिए साजिश से जुड़े लोगों ने अपना चेहरा ढक रखा था। पुलिस ने हिंसा का ड्रोन कैमरे से वीडियो भी बनाया है, इसी के जरिए अब पुलिस पत्थरबाजों की पहचान में जुटी है। सीलमपुर इलाके में उपद्रव जब भड़का, जब यहाँ पर आगजनी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। ये तस्वीर आप बाबरपुर रोड की देख सकते हैं सीलमपुर की, जहाँ पर एक छोटी पुलिस चौकी बनी हुई है, सहायता केंद्र, बाकायदा उसमें लूटपाट के जो निशान हैं वो भी भीतर मौजूद हैं, और जो मोटरसाइकिल जो सामान इस चौकी में था उसको किस तरह से निकाल कर जला दिया गया, तोड़ दिया गया, जो लूटपाट की गई है। हिंसा के पीछे अपराधी तत्व तो नहीं। सीलमपुर में जिस तरह से पथराव और हिंसा पूरे 2 से 2.5 घंटे तक चलती रही, उसे साफ पता चलता है कि ये सब एक तैयारी के साथ किया गया था। पुलिस को लगता है कि इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई होगी। अब पुलिस इलाके में उन अपराधियों की लिस्ट भी तैयार कर रही है जो इस हिंसा के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जामिया की हिंसा के सिलसिले में पकड़े गए 10 लोगों में से ज्यादातर अपराधी हैं और उन पर पहले भी केस चल रहे हैं, इसीलिए पुलिस सबसे पहले सीलमपुर के हिस्ट्री शीटर्स की फाइल खंगाल रही है। जगह जगह जिस तरह से नुकसान हुआ है, जिस तरह से हालात पेश आए हैं सुरक्षा बलों के सामने, वो अपने आप में बेहद ही दहशत पैदा करते हैं। फिलहाल इस पूरी सड़क पर आवाजाही जो आम लोगों की है वो बंद है। रेजिडेंशियल जो इलाका है, जो घर हैं, लोग घरों में अपने कैद हैं, दुकानें जो नीचे हैं, खासा बाजार यहाँ पर है, खासी दुकानें यहाँ पर हैं, वो सब बंद हैं। और चर्चा का विषय जो आज यहाँ आगजनी जो उपद्रव हुआ है वो इस वक्त बना हुआ है। भीड़ के पास पत्थर कहाँ से आए,
सीलमपुर में सड़क पर विरोध मार्च निकाल रही भीड़ एकाएक हिंसक हो गई। भीड़ में कई हजार लोग मौजूद थे। अब सवाल ये कि आखिर इतने सारे लोगों के हाथों में पत्थर आए कहां से? क्या पहले से ही किसी ने पत्थरों का इंतजाम किया हुआ था? क्या खामोशी से भीड़ को पत्थर बांटे गए थे? तो हम लोगों ने जो सफिशिएंट स्टाफ के साथ में बैरिकेड लगा के वहाँ इन लोगों को रोका और इनसे शांति की जो है वो अपील करी। काफ़ी और लोगों से भी हमने रिक्वेस्ट की, तो सब चीज़ें जो है वो ठीक थी और डिस्पर्सल शुरू होने ही वाला था। अचानक से किसी ने जो है वो पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जो आसपास बसें थी, पब्लिक के लोग थे, उन पर भी पत्थर लगे, पुलिस वालों को भी चोट आई और सिचुएशन जो है वो थोड़ी ख़राब होती गई, पत्थरबाजी बढ़ती गई। हम लोगों ने काफ़ी अपील करी। इतना ही नहीं, पत्थरबाजों ने एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया। इससे भी पता चलता है कि बाकायदा कोई था जो इस पूरी हिंसा की अगुवाई कर रहा था। वो कौन था? पुलिस का सबसे बड़ा मकसद अब उसी का पता लगाना है, क्योंकि जब तक इस साजिश का पर्दाफाश नहीं होता, दिल्ली के किसी और इलाके में हिंसा की आशंका बनी ही रहेगी। टीम न्यूज नेशन। अब सवाल यह है कि पुलिस को क्यों लगता है कि दिल्ली में हिंसा किसी साजिश के तहत भड़क रही है? तो इसका जवाब है जामिया हिंसा मामले में हुई 10 लोगों की गिरफ्तारी। दरअसल गिरफ्तार हुए 10 लोगों में से कोई भी जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है और ज्यादातर आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं। क्या इत्तेफाक है कि अपराधी किस्म के इतने लोग अपनी मर्जी से विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने और फिर हिंसा भड़का कर गायब हो जाएं? दिल्ली के दुश्मनों का होगा हिसाब। सलाखों के पीछे होंगे हिंसा के आरोपी। पुलिस के गिरफ्त में आए 10 अपराधी। छात्रों की आड़ में हिंसा को दिया अंजाम। दिल्ली के जामिया नगर इलाके की इस हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये आग कैसे भड़की और इसके पीछे किसका हाथ है? इस गुत्थे को सुलझाने के लिए पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं और इनमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो फिर ये अपराधी किस्म के लोग आखिर छात्रों की भीड़ में घुसकर हिंसा करने किसके कहने पर आए थे? वहीं इस मामले में होम मिनिस्टर ने भी साफ कर दिया है कि नागरिकता कानून में किसी की भी नागरिकता जाने का कोई प्रावधान नहीं है। देश के किसी भी माइनॉरिटी के व्यक्ति की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है। ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। और जो वहां अत्याचार के चलते यहां है, मेरे सिख भाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, हिंदू है, कहां जाए वो? कौन शरण देगा? जामिया हिंसा के बाद उल्टे दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए गए कि उसने निहत्ते छात्रों पर उस वक्त लाठीचार्ज किया जबकि वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और हिंसा के वक्त के वायरल वीडियो के जरिए उल्टे पुलिस पर ही आगजनी के इल्जाम लगाए जाने लगे। क्या ये सब एक साजिश थी? क्योंकि बाद में जब हकीकत खुली तो साफ हो गया कि पुलिस लगातार छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रही थी और कुछ बाहर के लोग भीड़ का हिस्सा बनकर छात्रों में घुले और उनके कहने पर ही छात्र हिंसक हो गए। 6 नंबर गेट के सामने आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो पत्थर आप लोग चला रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कुछ वक्त पहले भी जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगाए गए थे, तब कुछ बाहरी लोग जेएनयू के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने थे और देश विरोधी नारेबाजी कर गायब हो गए थे। ताजा मामला भी यही बता रहा है कि कोई तो है जो विरोध प्रदर्शनों को एक साजिश के तहत हिंसक बना रहा है और शायद ये कोशिश वो काफी वक्त से कर रहा है। जो आगजनी और जो राइटिंग, जो वायलेंट मॉब एक्टिविटीज जो उस दिन हुई थी, जो पथराव इत्यादि हुआ था, इस घटना में 2 FIR दर्ज हुए थे। थाना NFC में 1 FIR हुआ था, 1 थाना जामिया नगर में FIR हुआ था। इन दोनों मामलों में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों का प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड पाया गया है और इनका इस ऑफेंस में शामिलियत होने का सबूत पाए जाने के पर उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई भी छात्र या छात्रा इसमें गिरफ्तार नहीं हुई। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया इलाके में अराजक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था।
उपद्रवियों ने 3 बसों और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी थी। इतना ही नहीं, आग बुझाने आई दमकल की 4 गाड़ियों में से एक को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस हिंसा में पुलिस के 10 और फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी जख्मी हुए थे। उपद्रवियों तक पहुंचने के लिए पुलिस CCTV और हिंसा के वायरल फुटेज खंगाल। माना जा रहा है कि 10 स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी इसी आधार पर की गई। पुलिस को शक है कि जामिया के आई कार्ड बनवाकर कुछ लोग प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए थे। असली स्टूडेंट से कहीं ज्यादा हिंसा भड़काने में फर्जी छात्रों का ही हाथ था। हिरासत में लिए गए ऐसे 51 स्टूडेंट्स की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इनमें से 36 को कालकाजी से जबकि 15 को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से हिरासत में लिया गया था। ये सभी खुद को जामिया, डीयू के हिंदू कॉलेज और इग्नू के स्टूडेंट होने का दावा कर रहे थे। पुलिस को इनमें से कुछ पर शक है कि उन्होंने जामिया के फर्जी आई कार्ड बनवा रखे। साफ कि कोई तो है जो विरोध प्रदर्शनों को देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसका जल्द से जल्द पता लगाना बेहद जरूरी है। टी न्यूज़ नेशन। एक तरफ दिल्ली पुलिस हिंसा की साजिश के तार सुलझाने में लगी है तो दूसरी तरफ मंगलवार को जामिया में पुलिस के बल प्रयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। जामिया के छात्रों ने पुलिस की सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट में दखल की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे डाली। हिंसा की इन तस्वीरों से पूरी दिल्ली आहत है। जिस तरह से जामिया में हिंसा भड़की उसने दिल्ली को टेंशन में ला दिया था। छात्रों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया तो पुलिस ने भी छात्रों की आड़ में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। इस मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए ये भी साफ कर दिया कि सर्वोच्च अदालत कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है और याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाई कोर्ट में जाकर ही अपील करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए पहले ही तारीख मुकर्रर कर दी थी, लेकिन ये भी निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में हिंसा रुकनी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आगे दखल देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पक्षपाती नहीं है, लेकिन जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या करेगी? कोर्ट पुलिस को केस दर्ज करने से कैसे रोक सकता है? नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में जिन स्टूडेंट्स को चोटें आई हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए। छात्रों की ओर से वकीलों की जिरह के बाद सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में अभी तक किसी छात्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई भी छात्र जेल के अंदर नहीं है। उन्होंने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से उठाई गई दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी तरफ से तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।